गुड आफ्टरनून, आप लोग कैसे हो? आज हम लोग नया एक्ट एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिस एक्ट का नाम है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, एडॉप्शन का प्रोसेस मिलेगा आपको इसमें पढ़ने को, और मेंटेनेंस और एडॉप्शन का दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है इस एक्ट में। ठीक है, ये जो एक्ट है, जो एक्ट दिया हुआ है द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एडॉप्शन क्या होता है हम लोग वो जानेंगे। ठीक है, एडॉप्शन, तो एडॉप्शन जो होता है वो सिंपल भाषा में बोला जाए तो गोद लेना, किसी बच्चे को गोद लेना। ठीक है, तो एडॉप्शन वॉज predominantly adoption was considered as a sacramental act. Predominantly adoption was adoption जो है sacramental act के तौर पे consider किया जाता था। ठीक है, उसके बाद मैं बताना चाहूँगा भाई adoption का definition मतलब थोड़ा बहुत आता है section 5 में, adoption to be regulated बाय दिस चैप्टर, यह आता है चैप्टर 2 एडॉप्शन जो आता है। आप बेयर एक्ट अगर खोलोगे, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का अगर आप बेयर एक्ट खोलोगे, उसमें आपको मिलेगा सेक्शन 5 का सब सेक्शन 1 में लिखा है, नो एडॉप्शन शैल बी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब होता है ये हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इस एक्ट या फिर इस चैप्टर, ये चैप्टर जो मैंने बोला एडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर बाय और टू अ हिंदू एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेंड इन दिस चैप्टर। प्रोविजंस में जो भी दिया हुआ है इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर टू के अंदर जो भी प्रोविजंस दिया हुआ है जिसके थ्रू आपको हिंदू अडॉप्ट कर सकते हैं किसी को, एंड एनी अडॉप्शन मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द सेट प्रोविजन शैल बी वॉइड, और अगर कोई हिंदू इस सब प्रोविजंस को अगर ओबे नहीं करता है, कॉन्ट्रवेन करता है, तो इस सब एडॉप्शन द सेट प्रोविजन शैल बी वॉइड, एडॉप्शन वॉइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं सबसेक्शन 2, एन एडॉप्शन विच इज वॉइड शैल नीदर क्रिएट एनी राइट्स। एन एडॉप्शन विच इज वॉइड, जो एडॉप्शन वॉइड है, इलीगल है, ठीक है, तो शैल नीदर क्रिएट एनी राइट्स इन द एडोप्टिव फैमिली, एडोप्टिव फैमिली के पास कोई राइट नहीं रहेगा इन फेवर ऑफ एनी पर्सन विच ही और शी कुड नॉट हैव एक्वायर्ड एक्सेप्ट बाय रीजन ऑफ द एडोप्शन, नॉट डिस्ट्रॉय द राइट्स ऑफ एनी पर्सन इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट चले जाते हैं, रिलीजियस सेरेमनी नॉट नेसेसरी फॉर एडॉप्शन, एडॉप्शन के दौरान आपको रिलीजियस सेरेमनी करना ज़रूरी नहीं है। ये आपका परस दीवान नाम का किताब है, उनका किताब है मॉडर्न हिंदू लॉ, आप भी चाहे तो उससे आप रेफ़र कर सकते हो, मैं उसी से आपको पढ़ा रहा हूँ। उसमें लिखा है इन द प्रेजेंट सबमिशन द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 हैज़ टीयर्ड of clearly of all the religious and sacramental aspects of adoption and has made adoption a secular institution. ये जो हिंदू adoption and maintenance जो act जो निकला था, ये सारा religious और sacramental aspect of adoption को clear off कर दिया, steered off कर दिया, and has made adoption a secular institution and secular act. adoption को इस एक्ट ने सेक्युलर इंस्टीट्यूशन एंड सेक्युलर एक्ट बना दिया। ठीक है, सो मच सो दैट इवन अ रिलीजियस सेरेमनी, इतना सेक्युलर कर दिया है कि वो इवन अ रिलीजियस सेरेमनी इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एडॉप्शन अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। देयर कैनॉट बी टू टाइप्स ऑफ एडॉप्शन अंडर दिस एक्ट, देयर कैनॉट बी टू टाइप्स ऑफ एडॉप्शन, वन प्योरली सेक्युलर एंड अदर द सैक्रामेंटल, मतलब दो तरह का एडॉप्शन नहीं हो सकता, जैसे कि एक तो प्योरली सिक्युलर है या फिर दूसरा सैक्रामेंटल पूरा है।
ऑल अडॉप्शंस आफ्टर 1956 में एक्ट निकला था हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट निकला था, ठीक है, ऑल अडॉप्शंस आफ्टर 1956 आर सेक्युलर एंड टू बी वैलिड मस्ट कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, एक्ट का रिक्वायरमेंट जो है उसको कन्फर्म करना होगा तभी उसे वैलिड रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं ये जो एक्ट मतलब एडॉप्शन जो हम लोग करेंगे उसका रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वही है, रिक्वायरमेंट्स चाहिए होता है, वो आपका डिफाइन है सेक्शन 6 ऑफ एडॉप्शन चैप्टर 2 में आता है, ठीक है। हम लोग चले जाते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन, ऑल द रिक्वायरमेंट और उसके साथ में केस लॉ भी कुछ आपको बताऊंगा। पहला सेक्शन 6 हम पढ़ते हैं, रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन, नो अडॉप्शन शैल बी वैलिड अनलेस, कोई भी अडॉप्शन वैलिड नहीं रहेगा तब तक जब तक कि द पर्सन अडॉप्टिंग हैज़ द कैपेसिटी एंड ऑल्सो द राइट टू टेक इन अडॉप्शन, द पर्सन अडॉप्टिंग हैज द कैपेसिटी मतलब वो मेजर है और साउंड माइंड का है एंड राइट है उसके पास अडॉप्ट करने का टू टेक इन अडॉप्शन, पहला सेक्शन का सब सेक्शन 1 का मतलब यही है। सब सेक्शन 2 है द पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन हैज़ द कैपेसिटी टू डू सो, जो अडॉप्शन मतलब कि जो अडॉप्शन के लिए दे रहा है, पहला सेक्शन बताया गया जो अडॉप्ट कर रहा है ए और बी है, मान लो supposedly there are A and B, ठीक है, इसमें A जो है ये adopt कर रहा है, ठीक है, ये adopt कर रहा है और B जो है वो adoption के लिए दे रहा है, ठीक है, तो मतलब A के पास जा रहा है जो बच्चा जो है वो A के पास जा रहा है, B से A के पास जा रहा है, तो बी के पास भी राइट होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए उसके पास कि वो एडॉप्शन के लिए उसको दे सके, मतलब कि द पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन मतलब बी हैज़ द कैपेसिटी टू डू सो तभी वैलिड एडॉप्शन होगा, ठीक है। थर्ड आता है द पर्सन एडॉप्टेड इज केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन, और इस दौरान जो बच्चा जो एडॉप्ट हो मान लो सी है, वो सी को एडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है, द पर्सन एडॉप्टेड मतलब सी इज केपेबल ऑफ बींग टेकन, वो टेकन इन एडॉप्शन एडॉप्शन में केपेबल है वो, ठीक है, तो इज केपेबल ऑफ बींग टेकन इन एडॉप्शन, एंड लास्टली फोर द एडॉप्शन इज मेड इन कॉम्प्लायंस विद द अदर कंडीशंस मेंशन्ड इन दिस चैप्टर, ये जो एडॉप्शन मेड हुआ, ये जो एडॉप्शन हुआ बी ने सी को दिया एडॉप्शन में और सी ने एडॉप्ट किया सी को, तो ये जो चीज़ है ये आपका इस चैप्टर में मेंशन कर देना चाहिए प्रोविजंस में तभी। अब आपका आता है कुछ केस लॉस के साथ, मैं आपको ये सब बताऊंगा, सिर्फ केस लॉ का नाम बताऊंगा, अगर आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हो, पॉज करना है पॉज करके आप सुन सकते हो ध्यान से, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन अंडर सेक्शन 6 द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज एन अडॉप्शन बाय अ हिंदू of any person other than a Hindu. Under Section 6 of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, law does not recognize adoption by a Hindu of any person other than a Hindu. इसका मतलब है कि law recognize नहीं करता adoption अगर हिंदू ने अगर किसी दूसरे धर्म दूसरे religion को adopt किया है, रिलीजन के बच्चे को अडॉप्ट किया है। इसमें केस है कुमार सरसेन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 2008 PAT 24, मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, कुमार सरसेन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 2008 PAT 24। सेकेंड टू प्रूव वैलिड अडॉप्शन, प्रूफ करना अगर वैलिड अडॉप्शन है, it would be necessary to bring on records that there had been actual giving and taking ceremony. अगर प्रूफ करना है कि वहाँ पर वैलिड adoption है तो necessary है कि आपको
रिकॉर्ड्स लाना होगा कि वहाँ पे एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग सेरेमनी हुआ है कि नहीं। इससे रिलेटेड जो केस लॉज है वो है एम गुरुदास वर्सेस रासा रंजन AIR 2006 SC मतलब सुप्रीम कोर्ट 3275। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एम गुरुदास वर्सेस रासा रंजन AIR 2006 SC मतलब सुप्रीम कोर्ट 3275। तीसरा, लॉ इज वेल सेटल्ड दैट एडॉप्शन डिस्प्लेसेस द नेचुरल लाइन ऑफ सक्सेशन। लॉ इज वेल सेटल्ड दैट, लॉ को पता है कि एडॉप्शन डिस्प्लेसेस मतलब डिस्प्लेस कर देता है नेचुरल लाइन ऑफ सक्सेशन को, जो डिस्प्लेस कर देता है। एंड देयर फॉर अ पर्सन सीक्स टू डिस्प्लेस, जो पर्सन जो मतलब ए डिस्प्लेस करना चाहता है द नेचुरल सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी एलेजिंग एंड एडॉप्शन मस्ट प्रूव द फैक्टम ऑफ एडॉप्शन। एडॉप्शन हुआ है उसको, वो फैक्ट को उसको प्रूव करना पड़ेगा। एंड इट्स वैलिडिटी बाय प्लेसिंग सफिशियंट मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। और उसका वैलिडिटी क्या है, वो प्लेसिंग सफिशियंट मटेरियल्स रिकॉर्ड में डालना पड़ेगा तब। इसका केस लॉ है सुमा बेवा वर्सेस कुंजा बिहारी नायक AIR 1998 ORI 29। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुमा SUMA बेवा BEWA वर्सेस कुंजा बिहारी नायक AIR 1998 ORI 29। फोर्थ एंड द लास्ट वन, सेक्शन 6 डज नॉट बार अ लूनाटिक पर्सन फ्रॉम बीइंग अडॉप्टेड। मतलब कोई लूनाटिक पर्सन है उसको बार मतलब उसको रोकावट रेस्ट्रिक्शन नहीं देता लॉ। सेक्शन 6 रेस्ट्रिक्ट नहीं करता किसी एक लूनाटिक पर्सन को अडॉप्ट होने में। मतलब सी जो है अगर लूनाटिक है तो सेक्शन 6 जो है उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, रोकेगा नहीं, अलाउ करेगा। इसमें केस लॉ है देव गोंडा रे गोंडा पाटिल वर्सेस श्याम गोंडा रे गोंडा पाटिल AIR 1992 BOM 189। रिपीट कर रहा हूँ, देव गोंडा रे गोंडा पाटिल वर्सेस श्याम गोंडा रे गोंडा पाटिल AIR 1992 BOM 189। अगर आपको इतना तक मैं अगर कोई डाउट आता क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोलिएगा। तो अभी के लिए हम इतना तक ही आपको, तो अभी तक मैं आपको अगर कोई डाउट आया तो बोल दीजिएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको और आगे का वीडियोस मिलेंगे। तो मैं आपको सेक्शन 7 बताऊँगा 8 बताऊँगा अगले वीडियो में, तब तैयार रहिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।